हरभजन सिंह, हमने पेस अटैक की तो बात की, स्पिनर्स को आप कैसे रेट करते हैं? पाकिस्तान के पास नवाज है, शादाब है, दूसरी तरफ इंडिया शायद दो स्पिनर्स के साथ खेले या तीन खेले, इस स्पिन अटैक को आप कैसे रेट करते हैं? और जरा अपना राय भी इस पे दीजिए कि इंडिया को तीन स्पिनर्स और दो पेस बॉलर्स के साथ जाना चाहिए या तीन पेसर्स और दो स्पिनर्स? मुझे लगता है कि इंडिया तीन फास्ट बॉलर के साथ जाएगा, साथ में हार्दिक पांड्या रहेंगे, फिर जिसका मतलब है कि स्पिनर फिर एक ही खेलेगा, फिर वो रविंद्र जडेजा ही खेलेंगे। और अगर आप हार्दिक पांड्या को देखते हो तीसरा सीमर, तो फिर आपको कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जो है वो स्पिनर के तौर पर नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि आपके छठवें गेंदबाज तब होंगे अगर जब तीन सीमर खेलते हैं। अगर दो सीमर खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या विल हैव टू बोल हिज कोटा ऑफ ओवर्स। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वहाँ एक और हमें ऐसा बल्लेबाज जो कि कुछ आपको ओवर करके दे वैसा डालना होगा, चाहे वो अक्षर पटेल के रूप में हमें देखने मिले। तो ये कॉम्बिनेशन देखना होगा और बहुत कुछ निर्भर करेगा कंडीशन के ऊपर, पिच कैसी है और कितनी धूप है। ये जो मैच है इसको क्या आपको लगता है कि दोनों टीम्स लाइटली ले सकते हैं कि राउंड मैच है, इसके बाद एशिया कप में एक और भी होगा टॉप फोर में मुकाबला, और असल प्रिपरेशन जो है वो वर्ल्ड कप के लिए हो रही है जिसमें बड़ा मुकाबला होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, या आपको लगता है कि कोई भी मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो, चाहे वो एशिया कप हो या एशिया कप ना हो, बायलैटरल भी हो, वो भी उतना ही मायने रखता है दोनों टीम्स के लिए? ये जो टूर्नामेंट है इसको वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से देखना चाहिए। ये बात सही है कि ये टूर्नामेंट अलग है, कंडीशन जो है वो थोड़ी सी अलग होगी, ज्यादा कोई कंडीशन में फर्क नहीं आएगा। श्रीलंका की पिचेस और भारत की पिचेस तकरीबन सेम रहती है, बल्लेबाजी के लिए बहुत बढ़िया होती है, थोड़ा सा बॉल शायद स्पिन भी होगा, पर इस टूर्नामेंट को मुझे लगता है भारतीय टीम को तो इस लिहाज से खेलना चाहिए कि वो वर्ल्ड कप की जो टीम है उनकी जो 11 हो वो इस टूर्नामेंट से ख़त्म होते होते वो 11 पक्के हो जाएं वर्ल्ड कप के, ताकि वहाँ पे जाके एक आध कहीं तो चेंज करना हो कंडीशन को देख के, तो उस लिहाज से जो है वो चेंज टीम में आए, नहीं तो 11 यहाँ से पक्की हो जानी चाहिए। और इंटेंट बहुत ज़रूरी है कि कैसे इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलनी है। मैं पूरी एशिया कप में देखना चाहूँगा कि भारतीय टीम किस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलती है, क्योंकि वही इंटेंट जो है वो आपको वर्ल्ड कप में भी लेके जाना है।